हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, हमारे यूट्यूब चैनल है अपना सबाई के स्वागत जाना। तो आज के ड्राइंग काइंड ऑफ इजी, बट एक सेक्शन आज जेटा एक टू मॉडरेटली टफ, से भलोभवे बोझार चेष्टा करबजार्व कर ले अवश्य बनाते पर। सो टूडेज ड्रईंग इज इजी इन अ वे, बट there are few sections which is the actually tree portion which is moderately tough, but I've tried to explain it in details, so if you follow it properly you will be able to do it. to dekhiye aaj ka jo drawing hai wo वैसे तो easy है, लेकिन कुछ section है जैसे कि जो पेड़ का section है वो moderate level का है। तो अगर आप लोग ठीक से follow करोगे तो आप लोग बना पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आई एम जस्ट ड्राइंग द ट्री एंड इन द इनसाइड ऑफ द ट्री आई एम गिविंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू गिव नेगेटिव स्ट्रोक्स टू ब्लेंड विथ फिंगर टिप्स। इन हियर आई एम गिविंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बिकॉज़ आई विल बी ब्लेंडिंग द ट्री इन द वर्टिकल वे एंड आई डिड द ग्राउंड in I gave vertical strokes on the ground and then I blended it in the giving vertical strokes so that the blending could be done with fingertips only, and the blending happens very nicely and smoothly. to dekhiye jo pedo ka jo section hai wahan pe maine हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दिए ताकि मैं उसको वर्टिकली ब्लेंड कर सकूं। उल्टा चीज़ मैंने किया ग्राउंड पे, सब कुछ सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए ही है। तो देखो, हमरा ग्राउंडे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दिए वर्टिकली ब्लेंड करेछी और ट्रीते गाछे आमी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दिए वर्टिकली ब्लेंड करेछी गाछे और निजे माने माटीते हम क्यों करे वर्टिकल स्ट्रोक दिए हॉरिजॉन्टली स्ट्रोक दिए जस्ट ब्लेंडिंग। सो सी हियर आई एम गिविंग वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स एंड आई एम जस्ट रोटेटिंग माय ऑयल पेस्टल लिटिल बिट सो दैट इट लिव्स आउट बिट्स इन प्लेसेस हियर एंड देयर। दैट एब्स्ट्रैक्टनेस इज नेसेसरी टू गिव द रियलिस्टिक इफेक्ट ऑफ द ट्रीज। ओके, यू हैव टू गिव वेरी स्मॉल स्ट्रोक्स। The pressure has to be light to medium so that the texture pops up. तो देखिए, पेड़ों का जो सेक्शन है वहाँ पे मैं ऑयल पेस्टल जो है बहुत हल्के हाथों से यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा घुमा घुमा के दे रहा हूँ ताकि कुछ जगह पे कलर गिले मतलब गिरे, कुछ जगहों पे कलर नहीं आए। ये जो एब्स्ट्रैक्टनेस है ये ज़रूरी है ताकि आप लोगों को वो रियलिस्टिक इफेक्ट मिले। तो देखो, आमरा जे गाचटा जेटा कोची ताते आमी खूब हल्का स्ट्रोक दिच्छी, खूब लाइट प्रेशरटा आमादेर लाइट टू मीडियम आछे, घुरिये घुरिये आमी दिच्छी जाते किछु जगह कलर बसे किछु जगह जाते कलर ना बसे। एई एब्स्ट्रैक्टनेसटाई आमादेर दरकार सेई रियलिस्टिक फिलटा आनार जोन्नो। सो सी हियर, विदाउट डुइंग एनीथिंग आई एम गेटिंग द इफेक्ट। It's not that I had to do something very complicated. All I did was maintain low to medium pressure and that's it, and I gave small strokes. That's how I'm getting the effect on the trees. to dekhiye yahan pe main bahut zyada kuch khas kuch kar nahi raha hu, bas pressure ko maine light se medium maintain kiya hua hai aur usi se dekhiye jo pura jo tree ka jo effect hai wo aa ja raha hai। तो देखो, अभी किन्तु एखाने विशाल स्पेशल किछु किन्तु कोछी ना, जस्ट छोटो छोटो स्ट्रोक्स दिच्छी, प्रेशरटाके आमी लाइट टू मीडियम रेखेछी, ताते किन्तु देखो आमादेर जे पुरो गाछेर जे टेक्सचारटा आछे सेटा चले आसछे। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस स्टेप टिल ऑल द ट्रीज आर कम्प्लीट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शंस। तो देखिए, हम लोग ये जो चीज़ है ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे पूरे पेड़ के लिए और उसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शंस पे मूव ऑन करेंगे। तो देखो,
আগে এই সেম প্রসেসে আমরা কন্টিনিউ করে পুরো গাছটাকে আমরা রেডি করব, তারপর আমরা যে বাকি সেকশন আছে সেখানে ড্রয়িং করব, ঠিক আছে? সি দ্য রিজন আই এম ইউজিং মাই পেন্সিল আউট হিয়ার দ্যাট কজ নাও আই এম মেনটেনিং দ্য স্ট্রোকস, নাও আই এম গিভিং সাম ডিরেকশন টু দ্য স্ট্রোকস, দোজ বিটস দ্যাট উই লেফট আউট I'm kind of joining them, I'm blending them at some of the places, I'm adding some more shadows to it, I'm just actually perfecting the pattern on the tree, which should give me more realistic effect. तो देखिए मैं यहाँ पे जो पेंसिल जो यूज़ कर रहा हूँ उस समय क्या करूँ, मैंने कहा था ना कुछ कुछ जगह पे छूट जाएगा कलर, इसी टाइप को आपको देना है. पेंसिल से मैं क्या कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत जोड़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग भी हो रहा है ताकि जो इफेक्ट जो है और भी निखर के बाहर आए. तो हमें देखो ये पेंसिलटा व्यवहार करी एकटाई कारण जो एक् डिरेक्शन दीची जो छोटो छोटो स्ट्रोक जो बल्लम जो कि जगह छाड़ा हो जाए कि जगह थे जाते कि हम जो पेंसिल दिए जो वो करी तक से ही जैगो के जॉइन कर জয়েন করে করে ওগুলোকে একটা ডিরেকশন দিচ্ছি, তাতে কি হচ্ছে কিছু জায়গায় পেন্সিলের স্ট্রোকস বোঝা যাচ্ছে, কিছু জায়গায় বোঝা যাচ্ছে না, হালকা ব্লেন্ডিং হয়ে যাচ্ছে, তাতে ইফেক্টটা যেটা আমার রিয়েলিস্টিক ইফেক্টটা যেটা দরকার সেটা আরও বেশি ভালোভাবে আসবে. Now I am adding some more details as if the light is coming from the right side and making the zones on the right side bit of a lighter tone. Okay, that's why I'm using ochre yellow and I'll be making some of the areas even more lighter to give that effect that if, as if the light is coming from the right side and it's hitting on the trees. तो देखिए अभी मैं यहाँ पे ऑकर येलो दे रहा हूँ, कुछ और भी शेड जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे वाइट का दे रहा हूँ ताकि ऐसा लगे कि लाइट जो है वो राइट साइड से आके ट्री को हिट कर रहा है. और यही शेडिंग को मैं एनहांस करूँगा थोड़ा और भी, मतलब पेन से डिटेलिंग देके या फिर अदर्स डिटेलिंग देके यही चीज़ मैं और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट करूँगा. तो দেখুন আমি এখন যা স্ট্রোকস দিচ্ছি, যা শেডিং যেটা করছি, যে অকার জেলোটা দিলাম, এই যে হোয়াইটটা দিচ্ছি, এটা এরকম দেখাবার জন্য যে লাইটটা যেন রাইট সাইড থেকে আসছে আর সেটা গাছটাকে রাইট সাইড থেকে হিট করছে. তো সেই জায়গাগুলো শেডিংগুলো আমাদের লাইট কালারের হয়ে যাচ্ছে, এটা বোঝাবার জন্যই কিন্তু আমি অকার জেলোটা দিয়েছি. এখন আমি এখানে পেন দিয়ে ডিটেলিং দিচ্ছি. আই এম ইউজিং দ্য পেন অলসো টু শো দ্যাট দ্য লাইট ইজ falling from the right side and making those areas light toned. तो देखिए मैं यहाँ पर भी जो वाइट पेन से भी जो स्ट्रोक्स दे रहा हूँ वो ये समझाने के लिए कि लाइट जो है वो राइट साइड से आ रहा है और जहाँ पर भी हिट कर रहा है उसको लाइट शेडिंग का बना रहा है. We will do little bit of scratching at places to give some more prominent effect. Otherwise, too much scratching won't be necessary. तो यहाँ पर मैं देखिए मैं कुछ जगहों पर मैं थोड़ा बहुत scratching कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा scratching ज़रूरी नहीं है, वो बस थोड़ा सा और prominent दिखाने के लिए है. तो देखो ना अभी इखाने किछु जगह scratching कोची जिनिसटा के आरो बेसी prominent करार जन्य, अदरवाइज खूब बेसी जगह किन्तु आमादेर स्क्रैचिंग एर दरकार नहीं.
See, in most of the sections, I am holding the oil pastel at the very top. That's how you give very light strokes. That's how you use the oil pastel to create small branches of trees. Just let the color flow, let your hand guide you. Whatever direction it takes will give you the shape of the small branches. तो देखिए ज़्यादातर वक्त मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑयल पेस्टल को एकदम पीछे की तरफ पकड़ रहा हूँ, उससे क्या होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रेशर दे पाता हूँ और मैं डिटेलिंग उसी से कर पाता हूँ। उसी चीज़ से देखिए मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे जो टहनियाँ हैं मैं उनको बना रहा हूँ। प्रेशर आपको बिल्कुल हाई नहीं रखना है, बस हाथ को एकदम फ्लो करने दीजिए, रोल कीजिए, फ्लो करने दीजिए। यू कैन रोल योर ऑयल पेस्टल एज वेल टू गिव दोज लाइट स्ट्रोक्स ऑफ द ब्रांचेस। तो उसको रोल होने दीजिए, तो अपने हाथ को गाइड करने दीजिए। जैसे भी वो मूव करेगा वो आपका जो स्मॉल ब्रांचेस जो है, जो टहनियाँ है, उसका इफेक्ट वो ला के देगा। तो देखुन मैक्सिमम समय अनेक जगहते आमी ऑयल पेस्टलटाके एकदम उचुर दिके धरछी, माने एकदम पेछनेर दिके धरछी। ताते कि होच्छे आमाके आमी खूब लाइट प्रेशर एखाने आमी दिते पाच्छी एंड सेटा दिए किन्तु आमी गाछेर जे डालगुलो आछे, सरु सरु जे डालगुलो आछे, आमी किन्तु सेइगुलोके बानाते पाच्छी। आमी कि करछी, ऑयल पेस्टलटाके हल्का रोल करछी, हल्का एकटु घुरी घुरी जे दिच्छी, आमार हातटाके आमी पुरो फ्लो होते दिच्छी। ওই ফ্লোতেই কিন্তু আপনাদের যে ব্রাঞ্চেসের যে একদম সরু সরু যে ডালপালাগুলো আছে সেইগুলো আপনারা বানাতে পারবেন। অবজার্ভ হাউ আই এম হোল্ডিং দ্য অয়েল প্যাস্টেল অ্যাট দ্য ভেরি টপ। Whenever I'm doing very small branches or whenever I'm giving very light strokes, I'm holding the oil pastel at the very top, and when I'm giving medium strokes I'm holding in the middle. तो observe कीजिए, जब भी मैं काफ़ी ज़्यादा light strokes देना चाह रहा हूँ मैं oil pastel को काफ़ी ऊँचा पकड़ रहा हूँ, और जब भी मुझे medium strokes देने हैं या फिर थोड़ा pressure बढ़ाना है मैं middle की तरफ जा रहा हूँ या फिर एकदम सामने की तरफ जा रहा हूँ oil pastel का, इससे वो pressure variation मुझे मिल रहा है। तो देखुन जखनी आमार प्रेशर आमाके खूब कम देवार दरकार पड़छे आमि ऑयल पेस्टलटाके एकदम पेछनेर दिके धरछी, जखनी आमार प्रेशरटा एकटु बाड़ाबार आछे तखन बा मीडियम प्रेशर देवार आछे तखन सेटाके आमि माझखाने धरछी, आर जखनी आमि कि करछी सामनेर दिके धरछी तखन तार माने कि आमाके बेशि करे ओखाने प्रेशर दरकार। सो हियर आई एम जस्ट हिटिंग द ऑयल पेस्टल एंड आई एम गिविंग strokes, and I'm not only giving strokes, I'm leaving out a lot of the oil pastel on the paper to give that 3D look, the effect of falling leaves. For that I'm hitting the oil pastel and leaving a lot of the oil pastel on the paper itself. तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि हीट करके मैं जो ऑयल पेस्टल जो यूज़ कर रहा हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ऑयल पेस्टल मैं पेपर के ऊपर भी छोड़ रहा हूँ ताकि वो 3D इफेक्ट मुझे मिले गिरे हुए पत्तों का, कि कुछ उठा हुआ है कुछ गिरा हुआ है वो इफेक्ट मिले। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हीट करके मैं हाई प्रेशर में वो ये वाला जोन बना रहा हूँ। Remember, this zone which I'm doing right now is made using high pressure. तो देखो ना, मैं इखाने हीट करे करे आमी जे strokes गुलो दिच्छी ताते सेटा दिए आमी की कोच्छी प्रेशर टा खूब हाई रखी, अनेक तो ऑयल पेस्टल एंड पेपर के ऊपर थेके जाबे सेरकम भावे कोच्छी, जाते की हो पाता जे पड़े आछे से पड़े थाका पातार इफेक्ट गुलो आमरा जाते पाई, सेई कारणे आमी ओटाके हीट करे करे दिच्छी। Now see, as soon as I need light pressure, I'm switching my fingers up and down. Okay? तो देखिए जैसे ही मुझे light pressure की ज़रूरत पड़ रही है मैं pressure वो मेरा जो holding का जो position है वो मैं up down कर रहा हूँ। तो देखो जखनी आमार pressure variation दरकार पड़े तखनी किन्तु आमी oil pastelটাকে ऊपर दिखे किंबा माझखान दिखे किंबा सामने दिखे धरछी, variation টা আনছি।
In this zone, which I'm doing right now, the colors are very light and some of them are so close to white that they won't show up properly. For example, mainly the pale yellow. But as soon as we start giving details, those will pop up and will help you with the overall effect. तो देखिए अभी जो जोन में कर रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे लाइट कलर्स यूज़ हुए हैं और कुछ कलर्स वाइट के इतने क्लोज है कि आप लोगों को दिखाई भी ना दे शायद, लेकिन जैसे ही आप लोग उसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करते जाओगे तो वो ओवरऑल इफेक्ट आपको मिलेगा जब आपका ड्राइंग फिनिश होगा। तो দেখুন আমি এখন যে জোনটায় কাজ করছি সেই জোনটার মধ্যে কিন্তু এরকম অনেক কালার ইউজ হচ্ছে যেগুলো কিন্তু অত্যাধিক লাইট বা সাদার খুব কাছাকাছি, যার জন্য আমরা কিন্তু হয়তো ঠিকঠাকভাবে দেখতেও পাবো না, কিন্তু যখন আমাদের ড্রয়িংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা সেই ওভারঅল ইফেক্ট বা ইফেক্টটা আমরা পাবো। হিয়ার আই এম গিভিং মিডিয়াম প্রেশার and at places high pressure because the colors are very light in this zone. तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेशर जो है मीडियम प्रेशर दे रहा हूँ और कुछ कुछ जगहों पे हाई प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि कलर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर्स के हैं। तो देखूँ किचु किचु जगह अभी প্রেশার মিডিয়াম রেখেছি, কিছু কিছু জায়গায় আমি হাই রেখেছি আগের জোনটাতে যেটা আমি করছিলাম জল ছাড়া। তো সেটার মেন কারণ হচ্ছে যে এখানে কালারগুলো খুব লাইট কালারে ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে। Observe how I'm making this zone which is inside the water. All we have to do is change the color a little bit. Since the stone is inside water, it is bound to catch some moss, so moss green must be used. The white won't be completely white, it will turn out somewhat yellow with some other reflections as well. That's why I used ochre yellow out here to show that portion which is underwater, this portion. तो देखिए पानी के अंदर का जो हिस्सा है आपको याद रखना पड़ेगा कि पत्थर का है, तो कुछ जगहों पे वो मॉस आपको मिलेगा, वाइट जो है पूरी तरीके से वाइट नहीं रहेगा, येलोइश हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑकर येलो भी यूज़ किया है। तो देखूँ जखन हमारा पाथर आई जिनटा माथाय रखते हैं जी जोनटा जलर तलाय आखने शवला थे, तो से ही कलर तो व्यवहार कर मस ग्रीन व्यवहार कर। তাছাড়াও যে সাদা যেটা পাথরে সেটা কিন্তু পুরোপুরি আর সাদা থাকবে না, হলদেটে হয়ে যাবে, যার জন্য কিন্তু আমি ওখানে অকারিয়ালো ব্যবহার করেছি।
Even for the water, I'm not using a very high pressure or something. I'm allowing that texture to be there. See, you can see properly now. The oranges or the different colors which I will be adding, that will serve as the long reflection of the trees in the distance. Okay. तो देखिए यहाँ पे भी जो मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, हल्के हाथों से यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो पेपर का जो पैटर्न है वो उभर के आए। और जो कुछ कलर चेंजेस हो रहे हैं कि जैसे कि मैं पानी में थोड़ा ऑरेंज या फिर इस टाइप का कुछ भी चीज़ दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कि दूर के जो पेड़ है उनका जो रिफ्लेक्शन गिर रहा है पानी में, वो दिखाने के लिए मैंने वो ऑरेंज दिया हुआ है। बेसिकली चेंज ऑफ कलर्स जहाँ पे भी हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के लिए ही है। तो हमें देखो नहीं जो किचु किचु जगह जो ऑरेंज दिखे एटा किंतु होच्छे दूर जो गाछगुलो आछे सेगुलो मेनलि सेगुलो रिफ्लेक्शन बोझाबार जोन्नो। मोट कथा अन्य कलर जेमन कि ऑरेंज एगुलो जेगुलो दिच्छि एगुलो किंतु पुरोपुरि रिफ्लेक्शन बोझाबार जोन्नो। I'll be now just placing the reflections on the water and then I'll be doing the remaining areas and that will be it. तो अभी देखिए मैं पानी पे जो है थोड़ा बहुत reflections मैं set करूँगा, उसके बाद थोड़े बहुत पत्तियाँ बाकी रहेंगी और बस उतना ही है। तो see I'm adding little bit of reflection on the water. Apart from that, all I have to do is some of the branches and that will be all. Why, if you try this at home, try to follow the steps accurately, like follow the sections which I have done one after the another. Then you will be definitely be able to do it. तो जब आप लोग इसको घर पे ट्राई करोगे तो जो मैंने जो स्टेप्स जो दिखाए वो हूबहू फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। जो सेक्शंस मैंने एक के बाद एक किया है वो सेक्शंस आप लोग फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों का जो ड्राइंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अपना घरे जो ये ट्राई करें ताहले जे भावे आमी एक एकटा सेक्शन के धरे से भावे ही अपनारा करार चेष्टा करबें ताहले देखबें अपनार ड्राइंगटा किन्तु अनेक बेशी एक्यूरेट आसछे। द रीजन आई एम आस्किंग यू गाइस टू फॉलो माई प्रोसीजर एग्जैक्टली बिकॉज there are differences in colors. Some colors work perfectly and some colors don't. Some colors sit well on some other colors which I have maintained out here. So if you follow the steps properly you will be definitely be able to do it. Kuch colors aise hote hain jo acche se baithte hain ek dusre ke upar aur kuch colors aise hote hain
जो अच्छे से नहीं बैठते हैं, जो मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टेप एग्जैक्टली फॉलो कीजिए, जो जो सेक्शन मैंने एक के बाद एक किए हैं उसी टाइप उसी स्टेप को फॉलो करके आप लोग भी अप्रोच कीजिए। तो देखो बंधुगण, किछु कलर है जगह भलो बसे भलोभवे बसे ना यकम आ, तो ये जिनिसटा आमी एखाने मेनटेन करेछि, आपनाराओ सेई जिनिसटा मेनटेन करुन, ताले देखबेन आपनारा अवश्यई ड्रइंगटा बानिये फेलते पारबेन। सो फ्रेंड्स, वी आर अलमोस्ट टू द एंड अफ दिस ट्यूटोरियल। इफ यू लाइक दिस भिडियो प्लिज गिव दिस भिडियो अ थम्स अप, सबसक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, कज आई अपलोड न्यू भिडियोज एवरी वीक। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। तो बंधुगण, आपनादेर जदि ट्यूटोरियल भालो लेगे थाके ताहले लाइक करुन, कमेंट करुन, सब्सक्राइब करुन और बेल नोटिफिकेशन दबाते एकदम भूलबेन ना, कारण एवरी वीक आमि नतून वीडियोस अपलोड करी। देखा हबे नेक्स्ट ट्यूटोरियले, ततदिनेर जन्य गुड बाय।